कोटड़ी तहसील मुख्यालय के बोरडा गांव में जय श्री कल्याण मानस मंडल रासेड़ के तत्वाधान में विश्व शांति यज्ञ का आयोजन एवं सगस जी महाराज की मूर्ति की स्थापना पंडित कल्याण मल दादिज के सानिध्य में की गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए आहुतियां दी। इस अवसर पर बालो सिंह शक्तावत, रामगोपाल दरोगा, राजेंद्र दरोगा, किशन लाल दरोगा, नारायण सिंह दरोगा, छोटू सुथार, रामलाल सुथार, रामनिवास सुथार, जय सिंह दरोगा, उदयलाल सुथार, जमुनालाल गुर्जर सहित भक्तजन उपस्थित थे। भिलवाड़ा अखिल भारत वर्षीय श्री गुर्जर गरोड़ ब्राह्मण युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खटोड़ जोशी ने भिलवाड़ा निवासी राहुल चास्टा को कार्यकारिणी में शामिल कर राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया है। राहुल चास्टा के मनोनयन पर राष्ट्रीय महासभा, महिला महासभा, युवक संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने राहुल चास्टा के मनोनीत होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। राहुल चास्टा गुर्जर गरोड़ ब्राह्मण समाज के सक्रिय सदस्य रहते हुए अखिल भारत वर्षीय श्री गुर्जर गरोड़ ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय प्रवक्ता पद पर आसीन होकर समाज के लिए अग्रसर थे। भिलवाड़ा विद्या भारती शिक्षा संस्थान के साधारण सभा की बैठक रविवार को आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर भिलवाड़ा में आयोजित हुई। मीडिया प्रभारी संजय लड्ढा ने बताया कि साधारण सभा की बैठक में जिला अध्यक्ष डॉ. रोशन लाल पीतलिया, डॉ. शंकरलाल माली, प्रांत कार्यवाह चित्तौड़ प्रांत अशोक कुमार व्यास मंत्री के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें गत बैठक का अनुमोदन किया गया व कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य, सेवा नियम अनुमोदन, संशोधित बजट अनुमोदन, वर्तमान मानदेय पर चर्चा, नए सदस्य जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में संस्थान के सहमंत्री कैलाश चंद्र डार द्वारा बजट अनुमोदन कराया गया एम सेवा नियम का वाचन कर अनुमोदन किया गया। बैठक में शंकरलाल काबरा, चांदमल सोमानी, नंदकिशोर शर्मा, देवराज सिंह राणा व जिला सचिव अविनाश कुमार छिपा, महावीर ओझा, पन्नालाल आदि उपस्थित रहे। मानागढ़ तहसील क्षेत्र में हो रही शादियों में कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को लेकर उपखंड अधिकारी आईएएस उत्साह चौधरी निरंतर शादी के पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। कस्बे में सर्किट हाउस के नजदीक छगन वाटिका में हो रही शादी के पंडाल में पहुंचे, जहां 100 से ज्यादा मेहमान को देखकर उपखंड अधिकारी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए का चालान बनाया। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, खरेड़, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, डसाणिया का खेड़ा, खजीना, चीतिया, स्नोहरा, कालरिया, रेडवास, कुवारड़ी, सबलाजी का खेड़ा, पिथास आदि कई गांवों में कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं तथा बालिकाओं ने कल्प वृक्ष पर आंवले की पूजा अर्चना की। बालिका काली जाट ने बताया कि कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं व बालिकाओं ने आज कल्प वृक्ष व आंवले के पेड़ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। सभी हाथों में पूजा की थाली सजाए मंगल गीत गाते हुए कल्प वृक्ष व आंवले के पेड़ के स्थान पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। बनकाखेड़ा गांव में सुबह से ही महिलाएं व बालिकाएं कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा अर्चना कर रही हैं। ग्राम पंचायत मालोला को एक बड़ी सौगात मिली है। धूलखेड़ा और लक्ष्मीपुरा, रामदेव नगर, चोदरास और भी अन्य खेड़ों के लिए पानी की बड़ी समस्या होने के कारण ग्रामवासियों ने पूर्व सरपंच छोटूलाल जाट से पानी की मांग की, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को बुलवाया और मौके पर कुआं खुदवाने के लिए साई पैठे रुपए दिए और मुहूर्त देकर जल्दी काम चालू करने के लिए कहा। नो मास्क नो एंट्री, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, मास्क पहनना बीमारी नहीं समझदारी है, हम सब ने यह ठाना है कोरोना मुक्त देश बनाना है, ये स्लोगन रविवार को अरावली मित्र मंडल के बच्चों द्वारा कोरोना से बचाव हेतु आयोजित एक छोटे कार्यक्रम में व्यक्त किए गए। उन्होंने सभी बड़ों को कोरोना से बचाव हेतु सावधानी रखने का आग्रह किया। यदि घर के बड़े सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कार्यक्रम में अक्षत मोदानी, अनय अवि खटोड़, कौरांग दड़गढ़, उर्वी चारवी, आरवी तोशनीवाल, वृंदा सोमानी, जानवी मोदानी, अनन्या खटोड़ आदि ने भाग लिया। वापस बोल। नो मास्क नो एंट्री, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी।